तो जी मरी के पार्ट टू में मैंने आप सबको दिखाया था अपने होटल रूम का और रूम से बाहर का व्यू और माल रोड की सैर करवाई थी। लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ झीका गली, जिसके अंदर गवर्नर हाउस भी मौजूद है और मेरी बहन और मेरा सॉन्ग सुन सकेंगे आप। और आप लास्ट में देखेंगे एक हॉर्स राइडर की जबानी घुड़सवारी और घोड़ों से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आई क्यू हेयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी कल तो खूब हुई है बारिश और झालाबारी यहाँ पर और मौसम काफ़ी ठंडा था रात भर, लेकिन अब सुबह बहुत ही प्लेजेंट डे था। थोड़ी बहुत धूप भी थी लेकिन वो बॉडी को बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छा एहसास हो रहा था। और हम सब ने सन ग्लासेस चढ़ा लिए थे और हम जा रहे थे झीका गली। वहाँ से आपको व्यू बहुत ही खूबसूरत मिलता है। खैर, ये सामने जो ब्लू बोर्ड नज़र आ रहा है वो गवर्नर हाउस का है, लेकिन फिल वक्त राइट साइड पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो हम सब ने यहाँ से भुट्टे खरीदे और वो खाए, और वो उसी वक्त जो है वो कोयले पर उसको भून रहे थे, तो उसका मज़ा ही कुछ और था। ये पूरी सड़क जो है वो झीका गली ही कहलाती है। यहाँ पर जो है वो घुड़सवारी भी होती रहती है और डिफरेंट पॉइंट्स हैं खाने पीने के, और उन्हें जो बैठने की जगह जगह पर सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है वो बहुत ही मज़े की है। तो इस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा मूड भी प्लेजेंट हो गया और कुछ पुराने गाने गुनगुनाने को दिल चाहा। तो सबसे पहला मेरी बहन का गाना सुनी और उसके बाद मेरा। चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से सांस चढ़ा हुआ था, पर हम एंजॉय कर रहे थे और गा रहे थे। है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट था, वो ढाबा टाइप ही था, वहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया, चाय पी और नमाज़ पढ़ी। और वहाँ पे हॉर्स राइडर्स भी बैठकर खाना खा रहे थे, तो उनमें से एक बच्चे को मैंने बुलाया और उससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ली हॉर्स के बारे में और वो कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो वो आप भी सुनिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुराद अली है। अच्छा मुराद, घुड़सवारी कैसा काम है? ज़्यादा ख्वारी तो नहीं होती आपको? और सारा दिन आपका कैसा पास होता है? तो हमारा अच्छा रहता है और अच्छा काम है। आप मकामी कहाँ के रिहायशी हैं? मकामी मरी के हैं। और आप इन घोड़ों को कहाँ रखते हैं, मीन्स इनका अस्तबल कहाँ है? वो भी आपके घर के पास ही है? अस्तबल जिधर हम रहते हैं हमारे घर के साथ ही इनका अस्तबल होता है, एक अलग इनका कमरा होता है। अच्छा, एक घोड़े की मदद से आपकी पर डे कितनी इनकम हो जाती है और इन पर कितनी लागत आती है? इसका सर खर्चा रोज़ का 800-900 खर्चा है और घर का खर्चा है और बस यही है। अच्छा, इनका तो 800-900 खर्चा है, लेकिन डेली आप कितना कमा लेते हो, मतलब आपका प्रॉफिट कितना होता है? काम हो सर 2000-2500 ना हो तो घोड़े का खर्चा ही। सही, लेकिन घोड़ा खाता क्या है? एक तो यहाँ से घास वगैरह ये खाता होगा और दूसरा क्या खाता है? ऐसे ये हम घास तो नहीं डालते, चोकर दाना और भूसा डालते हैं। चोकर दाना और भूसा, ठीक है। अच्छा, ये इतने खूबसूरत हैं, कोई ख़ास नस्ल है ये? नस्ल है नुकरा घोड़े। अच्छा, नुकरा घोड़े की नस्ल है ये। अच्छा, इनकी कितनी उम्र होती है, मतलब ये कितनी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं? इनकी उम्र होती है 30 साल, खुराक अच्छी हो 30 साल 25 साल हो। 25 से 30 साल, सही सही। और ये किस उम्र से राइडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं? 2-3 साल की उम्र में इनके ऊपर सैडल डाल देते हैं। अच्छा, सैडल डाल देते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कि बच्चे तो बहुत शौक से इस पर बैठते हैं, लेकिन ख़वातीन कुछ डरती हैं, तो क्या एवरेज है ख़वातीन के डरने की? शुरू शुरू में डर लगता है, फिर बाद में रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, राइडिंग के आप कितने पैसे लेते हैं? 200-400 जित छोटा बड़ा चक्कर होता है। अच्छा, आप देखते हो कि जब आप छोटे थे तो इस मौसम में भी सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती थी, मतलब धूप वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ये है
आबादी ज़्यादा हो गई है, बिल्डिंग ज़्यादा बन गई हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि 200 मज़ीद होटलों की इजाज़त दे दी गई है बनाने के लिए, तो क्या आपके ख्याल में ये ठीक है? नहीं होनी चाहिए, मरी में बिल्डिंग की तरह मौसम हो जाएगा। दरख्त कितने कट रहे हैं यहाँ पर? दरख्त तो हर रोज जिधर जगह मुकाम नहीं बन रहे हैं उधर दरख्त काट देते हैं, तो खैर अब यही कह सकते हैं हम कि इन लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर मज़ीद दरख्त ना काटे जाएं बल्कि लगाए जाएं, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसी में है। और जैसे जैसे बिल्डिंग्स बढ़ती रहेंगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो उस तरह इसकी गर्मी में भी इजाफा होता रहेगा और ख़ूबसूरती में कमी आती रहेगी, ऐसा ही है ना? और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपसे बर्फ़बारी भी रूठ जाए। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मुराद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इन्फॉर्मेशन लेकर। अल्लाह आपके काम में तरक्की दे। तो अब चलते हैं आज की पेंटिंग की तरफ, जिसकी पिक्चर मैंने झीका गली जाते हुए ली थी, और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा निकलेगा एंड में, क्योंकि इसमें पहाड़ भी है, दरख्त भी है, और थोड़ा सा ज़मीन का पार्ट भी है। तो ये मेरे ख्याल बेस्ट पिक्चर थी पेंटिंग के लिए। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल पेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। तो पीछे मैंने बना दिए हैं तीन जगह पर, तीन पोर्शन में पहाड़ बनाए हैं, यानी सबसे पिछले वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट होगा, और उससे ग्रेजुअली आगे आता जाएगा वो थोड़ा सा डार्क टोन में होकर फ्रेश होता जाएगा। उसके बाद बारी है कुछ दरख्तों की, तो दरख्तों पे आप देख रहे हैं कि मैंने डार्क्स भी लगाए हैं और साथ लाइट्स पड़ती है जैसे जैसे, तो वो लगाए हैं तो कैसे उठ से गए हैं लीव्स वगैरह, और आगे जो है ये आपको फेंस नज़र आएगी, और उसके और आगे मज़ीद थोड़ी सी ज़मीन नज़र आएगी। तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, भी पसंद आया होगा और पेंटिंग भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आप लाइक और कमेंट करना है इस वीडियो पर, और आपने मरी पार्ट 4 की वीडियो में ज़रूर हाजिर होना है। और अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।